कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश अब आपके सागर शहर के बीचों बीच, वह भी सर्व सुविधा युक्त आवास फ्लैट एवं प्लॉट बुकिंग के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया पुरुषोत्तम चौरसिया। प्रदेश के सागर जिले के गड़ाकोटा थाना क्षेत्र के गुंजौरा गांव में जुआफड़ की सूचना के बाद दबिश देने गए पुलिस कर्मियों को यह दबिश देनी भारी पड़ी। दरअसल पुलिस की गाड़ी को देखने के बाद जुआफड़ से भागते समय एक युवक चबूतरे से गिर गया, जिसे सिर में गंभीर चोटें आने की वजह से वह घायल हो गया, जिसे पुलिस की सहायता के बाद सागर के एक निजी अस्पताल से भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला सामने आते ही सागर के SP ने गड़ाकोटा थाना के एक SI सहित 7 पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। वहीं मामले में मजिस्ट्रेडियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। थाना प्रभारी संजय रिसीवर से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 11 बजे पुलिस को गुंजौरा गांव में जुआ खेलने की सूचना मिली थी। खबर मिलते ही पुलिस टीम कार्रवाई के लिए गाँव में पहुंची, जहाँ पुलिस की गाड़ी देख कर मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच। तभी भागते समय गुंजौरा निवासी रविंद्र पिता जसवंत सिंह बुंदेला चबूतरे से गिर गया, जिसके बाद उसे सिर में गंभीर चोटें आ गई। घायल को पुलिस द्वारा गड़ाकोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सागर रेफर किया गया, जहां एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी वहां हालत गंभीर बनी हुई थी, इसलिए रविंद्र को भोपाल रेफर किया गया है, जहां पर अब उसका इलाज चल रहा है। फड़ पर कार्रवाई करने गए SIR के जोरम प्रधान आरक्षक बद्री प्रसाद, आरक्षक संजय, मनीष, रोहित, आदित्य, संजय, लोकेंद्र, सतीश तिवारी को लाइन अटैच किया गया है। वहीं मामले में मजिस्ट्रेडियल जांच के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर दीपक सैन ने मामले की जांच के लिए रहली के SDM जितेंद्र पटेल को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं पूरे मामले को लेकर गड़ाकोटा के थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार की रात जुआ की सूचना पर गुंजौरा गांव में कार्रवाई करने के लिए टीम गई थी। कार्रवाई के दौरान भागते समय एक युवक चबूतरे से गिर गया, जिसके बाद उसके सिर में चोटें लग गई। इसी मामले में कार्रवाई की गई है और टीम में शामिल SI सहित 7 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। वहीं इस मामले की जानकारी लगते ही मंत्री गोपाल भार्गव मंगलवार की दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक होने के तुरंत बाद भोपाल के बंसल अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायल रविंद्र के स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही परिवार वालों से घटनाक्रम की चर्चा की और इसकी जानकारी भी उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की है। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। गड़ाकोटा में एक घटनाक्रम सामने आया है, जुआ हुआ पकड़ने गए पुलिस को जुआ है, उसके बाद जो युवक मिला है उसका ब्रेन डेड का मामला सामने आ रहा है। क्या है पूरा घटनाक्रम? डायल 100 पर पुलिस को सूचना आई थी कि ग्राम गुंजौरा में कहीं पे जुआ चल रहा है। सूचना पे पुलिस बल गया था। जैसे ही पुलिस बल बस स्टैंड पे पहुंचा है तो पुलिस की सायरन और लाइट देख के वहाँ पे जो चबूतरे में कुछ लोग थे जो संभवतः हो सकता है जुआ खेल रहे हों वो भागे हैं, तो पुलिस ने जब देखा तो वहाँ पे एक व्यक्ति उनको रोड पे पड़ा हुआ मिला था और बेहोश हालत में था। वहीं के जो स्थानीय लोग थे उनकी मदद से उसकी पहचान करा के उसको पुलिस उपचार के लिए गड़ाकोटा लाई थी और डॉक्टर ने बताया कि इसके सिर में अंदरूनी चोट है, तो इसका इलाज सागर में होगा। सागर श्री हॉस्पिटल में उसका CT स्कैन से पता चला कि उसके सिर में इंटरनल इंजरी है और ब्लीडिंग भी संभवतः हुई है, जो अच्छे इलाज के लिए फिर डॉक्टरों से बात करके उसको तत्काल रात में बंसल अस्पताल भोपाल में शिफ्ट किया गया है। वहाँ सुबह उसका ऑपरेशन होकर जो ब्लीडिंग वगैरह निकाली गई है। रवीन बुंदेला नाम है, 40 वर्ष उम्र है, ये वहीं ग्राम गुंजौरा के रहने वाले। सर, इसमें पुलिस की भी भूमिका कहीं है क्या? पुलिस की तरफ से कोई विभागीय जांच या ऐसी कोई कार्रवाई की जा रही है? इसमें देखिए, चूंकि पुलिस की मौजूदगी में ये हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें आगे चल के जो भी, अभी तो उनके परिजनों से कोई कथन वगैरह नहीं हुए, एक बार जब उनके कथन आ जाएंगे तो उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई होगी। आगे मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश क्या आदेश दिए, क्या पूरा सागर के पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने गढ़ाकोटा की घटना का उल्लेख करते हुए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए अनुरोध पत्र भेजा गया था। उसके आधार पर SDM रहली को आदेशित किया गया है कि वो गढ़ाकोटा की घटना की पूरी मजिस्ट्रेट जांच करें
और 7 दिवस में अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। श्री ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ रेत और गिट्टी उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर्ष नेमा चांदपुर वाले। हमारा पता है मेन बस स्टैंड रहली देवरी रोड चांदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9131-25-97-36।